अल्लाह का शुक्र है, यह मंसूबा मुश्किल था। अल्लाह राज को पोशीदा रखे सुल्ताने मुअज्जम। आमीन। अब इनकी क्या सूरत हाल है? सुल्ताने मुअज्जम, हम दवाएं दे रहे हैं, ये बेहतर हो रहे हैं। हम इनके जिस्म से जहर निकाल रहे हैं। आपने तहसीन पाशा को मुर्दा क्यों जाहिर किया सुल्ताने मुअज्जम? आपने जो कहा है उसके लिए आंद्रे साहब। जैसा कि मैंने बयान किया सुल्ताने मुअज्जम, जिन लोगों ने मुझे अगवा किया उनमें भी तहसीन पाशा की तरह जरसोमा था। ये आपको कहां से मिला है? आपको ये दवा हमारे लिए बनानी होगी। वो चाहते थे कि मैं उनके लिए भी दवा बनाऊं। जहां उन्होंने मुझे रखा हुआ था वहां मैंने एक कीमियाई मुरक्कब बनाया और बम तैयार किया। मैंने उन्हें बेहोश कर दिया और वहां से भाग गया। ये सब वाकयात कुछ इस तरह पेश आए सुल्ताने मुअज्जम। आंद्रे साहब, हमें उस तकलीफ पर अफसोस है जो आपको हमारी वजह से बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप सलामत हैं। तहसीन पाशा के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सुल्ताने मुअज्जम। आपने कहा कि आपके अगवाकार इसी बीमारी से मुतासर थे, हमने उन तक पहुंचने का इंतजाम किया है। अहमद पाशा। जी सुल्ताने मुअज्जम। किसी को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि तहसीन पाशा जिंदा है। हमने हर किस्म की एहतियाती तदाबीर की है। दरवाजे पर मौजूद मुहाफिज वफादार और सख्त मिजाज के मालिक है। ये बात इस्माइल हकी साहब, महमूद पाशा और मौलजीन के सिवा कोई नहीं जानता है। यहां तक कि मौलजीन को उनके घर भी जाने से रोक दिया है। आफरीन।